नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। प्रधानमंत्री मोदी का आज यानी 17 सितंबर को जन्मदिन है। वो 74 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। उनके जन्मदिन के मौके पर भाजपा समेत राजनीतिक दलों के नेताओं और अन्य जानी मानी हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं विदेश से भी पीएम मोदी को जन्मदिन के शुभकामना संदेश भेजे गए। वहीं साफ स्वच्छ राजनीतिक छवि वाले प्रधानमंत्री बड़े संघर्षों के बाद इस सबसे बड़े पद तक पहुंचे। खुद को चाय वाला कहने वाले पीएम ने अपनी शुरुआती जीवन की कठिनाइयों से पार पाकर पहले आरएसएस फिर भारतीय जनता पार्टी के अहम पदों पर गुजरात के सीएम और बाद में देश की कमान संभाली। अभी तक के 10 सालों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने ऐतिहासिक फैसलों के जरिए एक लंबी लकीर खींची है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर हम आपको पीएम मोदी से जुड़े कुछ ऐसे पलों के बारे में बताएंगे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो शानदार रही और खुद सुर्खियां बनी। नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार बने पीएम। पीएम मोदी के सियासी सफर में सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब उन्होंने 2024 में तीसरी बार पीएम पद की कुर्सी संभाली थी। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक जनादेश हासिल किया। पीएम नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता हैं जो नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार पीएम बने। दिलचस्प बात तो यह है कि 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। पीएम की सेल्फी हुई थी वायरल। इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी की सेल्फी क्लिक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। मेलोनी द्वारा ली गई तस्वीर में दोनों नेता मुस्कुराते हुए नजर आए थे। इस दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी का नमस्ते कहकर स्वागत किया था। तेजस की उड़ान पर धमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में कर्नाटक के बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साइट के दौरे के दौरान तेजस विमान में सवार होकर आसमान में उड़ान भरी, जिसकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाया था। इस दौरान पीएम ने कहा था कि तेजस में उड़ान गजब का अनुभव रहा। इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ा दिया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। जब रोबोट ने पिलाई पीएम को चाय। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2023 में अहमदाबाद में रोबोटिक्स गैलरी का दौरा किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने रोबोट द्वारा परोसी गई चाय का आनंद लिया था। प्रधानमंत्री ने इस मनमोहक पल को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया था, जिसका उन्होंने कैप्शन भी दिया था, रोबोट को चाय पिलाते हुए की तस्वीर देखना ना भूले। इसे लाखों लोगों ने लाइक किया था। शिव शक्ति पॉइंट का नामकरण। चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद पीएम मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ को गले लगाते हुए उनकी पीठ थपथपाई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने 23 अगस्त को हर साल भारत नेशनल स्पेस डे मनाने का ऐलान किया था। चांद पर लैंडर जिस जगह उतरा उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया था। देखा जाए तो साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद से अब तक प्रधानमंत्री मोदी को कई देशों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। हाल ही में उन्हें रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित भी किया गया। 2023 में पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति सुरंगिल एस विप्स जूनियर ने एबॉक्ल अवार्ड से सम्मानित किया। आपको बता दें कि ऐसे में लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जनादेश हासिल करने के बाद पीएम मोदी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। अभी तक के 10 सालों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने ऐतिहासिक फैसलों के जरिए एक लंबी लकीर खींची है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।